NED. हमें ब्रह्मचर्य में रहना है तो घर पर रहकर हमें डेली क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं, क्या नहीं करना चाहिए पूछो। क्या नहीं करना चाहिए? मैं स्कूल में या कॉलेज में तो आप जाएगी, घर में तो सारा दिन नहीं बैठ पाओगी, लेकिन स्कूल कॉलेज में जब जाती हो वहाँ आप फुल जागृति के साथ रहना चाहिए, कि लड़कों के टच में नहीं आना चाहिए। जो लड़के लड़का सब, लड़कियों को तो तभी पता चल जाता है कि कौन सा लड़का लाइन मार रहा है, तो जहाँ लगा कि ये यहाँ लाइन मार रहा है तो वहाँ आप उसे 100 फुट दूर रहो। अभी आपने बोला कि कोई लड़का हमारे पीछे पड़ा हो तो उसके प्रति नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल रहने का। तो अभी वो तो नहीं होता, बहुत उस पर गुस्सा बहुत आ जाता है। ठीक है, अभी गुस्सा आता है तो करो, लेकिन उसको कुछ मत करो, अपने अंदर ही तक रखो और उसके प्रतिक्रमण शुरू कर दो, क्योंकि आपकी ओर से गुस्से वाला भी अगर रिस्पॉन्स गया ना तो ये लड़के लोग क्या कहते हैं, आपके गुस्से में भी हमको प्यार दिखता है, और बिगड़ा, ऐसा करके भी पीछा तो नहीं छोड़े, और गुस्सा भी नहीं, न्यूट्रल, यानी वो समझ जाते कि ये इग्नोर कर रहे हैं हमको, तो बेटर इग्नोर। कुछ भी आप गुस्सा करोगी तो भी उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, और आप खुश होकर उससे नज़र मिलाओगी तो भी उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, आगे जट के दोनों खड्डे में गिराएंगे। बेटर न्यूट्रल रहो, नो रिस्पॉन्स, इग्नोर करो। तो मेरे को इतना गुस्सा आता है कि लगता है कि उसको एक ऐसा तमाचा दे दूँ, दूसरी बार किसी लड़की के सामने मत देखे। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, कभी करके देख, सिर्फ मन में ही होता है ना, कभी किया तो फिर क्या मतलब उसका, वो भी जानता है कुछ मानने वाली नहीं, लेकिन मन में ही करती होगी गुस्सा, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी समझ में आया ना। और घर में तो आप अपनी पढ़ाई में और अपने ध्यान में रखो, और सारे दिन भर कहाँ कहाँ आपको किसी लड़के के प्रति आकर्षण हुआ, कहाँ कहाँ लड़कियों के अंदर भी बुरी बातें हुई, लड़के की बातें हुई, कोई फिल्म हीरो की बातें हुई, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को देख के उसके लिए पश्चाताप करो, ये गलत हुआ और ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। सारे दिन भर का रात में बैठ के 10 मिनट बैठ के ये क्लियर करो अपना, सारे दिन में क्या क्या गलत हो गया है विषय के बारे में, समझ में। नम्रता मुंबई कहती है, ब्रह्मचर्य का पालन रोज की जिंदगी में किस तरह से किया जाए, स्पेशली मुंबई जैसे शहर में। मुंबई की एक बहुत अच्छी बात है, श्रीमद् राजचंद्र जो बड़े ज्ञानी हो गए सौराष्ट्र में, वो आज से 125 साल पहले मुंबई में थे, वहाँ उनका बिजनेस था, बहुत बड़े ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी, तो उनके फॉलोअर्स थे, बड़े जैन साधु वगैरह भी उनके फॉलोइंग थे, तो एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े नामांकित और बहुत ही आगे बढ़े हुए जैन साधु थे, जिनको उनके लिए बहुत ही आदर था और उनके लिए बहुत ही अटैचमेंट था। तो एक बार उनको श्रीमद् राजचंद्र जी से बहुत विरह लगने लगा, उनके बहुत टाइम से मिले नहीं थे तो उनको बहुत विरह लगने लगा। वो सूरत में थे और श्रीमद् जी बम्बई में थे, कुछ 225 किलोमीटर की दूरी थी, उनको तो चल के जाना पड़ता है, वो कोई वाहन नहीं इस्तेमाल करते हैं साधु। तो उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र जी से खत, आज्ञा मांगी, खत लिख कर कि मुझे बहुत विरह हो रहा है आपके दर्शन के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे आज्ञा दो तो आपके दर्शन करने में आ जाऊँ। तो श्रीमद् जी ने उत्तर में लिखा खत
कि ये मुंबई या मोहमयी नगरी है, यहाँ साधु लोग को प्रवेश मना है। इसीलिए तो नहीं, अभी तो 125 साल पहले की बात है, अभी तो क्या हाल है या बेहाल है। बहुत मुश्किल है। और निर्मा अभी बोला कि अपरिचय जैसा होना चाहिए या मेल्स के साथ ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, पर निर्मा मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं डेंटिस्ट हूँ और मुझे एक जो भी मेल पेशेंट्स आते हैं और पता चलता है कि ये मेल पेशेंट की बुरी दृष्टि है, पर फिर भी मुझे ट्रीट करना पड़ता है, तो किस तरह से उसमें है? और डेंटिस्ट हूँ तो इसलिए मेरा अपॉइंटमेंट का ड्यूरेशन भी आधा घंटे का होता है, ऐसा नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेज दो, और वो अपॉइंटमेंट्स भी 3 बार आती है या 4 बार आती है, तो वो पेशेंट की तरफ से मेरा बहुत अभाव जैसा हो जाता है कि ये एकदम तिरस्कार हो जाता है कि ये पेशेंट ना आए तो अच्छा। उससे बेहतर वो पेशेंट को कहना है कि भाई मैं रेफर करती हूँ, दूसरे के पास जाओ, ये हाँ निरुआ, मैंने बहुत बार ऐसा किया है, पर कुछ लोग होते हैं कि ऐसे थ्रू एंड थ्रू आते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत हो पड़ती है कि उसकी कुछ पेशेंट्स का ऐसा कि नहीं ट्रांसफ़र हो पाता है, ऐसा यानी कोई लोग ले नहीं पाते हैं तो फिर। और मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ़िलहाल ड्यूटी कर रही हूँ, तो वहाँ पे तो कंपलसरी इतने सारे लोग आते हैं कि कंपलसरी एक को करना ही पड़ता है, इतने पेशेंट्स आते हैं, तो किस तरह से इतना जागृति रखा जाए, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे पेशेंट पे, ना मैं डॉक्टर की तरह से ड्यूटी कर पाती हूँ और ना ऐसे। नहीं नहीं गुस्सा ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ध्यान नहीं रहता है टोटली उसके ट्रीटमेंट पे, क्योंकि दांत का काफ़ी लंबा आता है, तो ऐसे एक आधा दांत तोड़ के देना दोबारा नहीं आएगा। भाग जाएगा, कुछ उल्टा सुल्टा कर दोगी तो दोबारा नहीं आएगा। कोशिश करूंगी। नहीं नहीं हम साफ साफ बोल देना कि भाई तेरी दांत की ट्रीटमेंट मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे टूट जाएगा मेरे से तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। और कभी कभी निरुमा ऐसे केसेस आते हैं जो ऐसे कभी भी दिन ऐसे दिमाग में घूमते रहते हैं, कभी सामयिक करूँ तो भी पेशेंट्स की पेशेंट के मुँह ही दिखते हैं, तो कैसे बहुत कोशिश की है उनके शुद्धात्मा देख लेना। हाँ निरुमा, मुंबई में कहाँ रहती हो? वसई। वसई में रहती हूँ। पास कर ली डेंटिस्ट्री? हाँ निरुमा। पर अभी इंटर्नशिप करती है क्या? नहीं, इंटर्नशिप खत्म करके 1 साल भी हो गया है। जॉब करती है? हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यहाँ ही आ जाओ, अच्छा हो जाएगा ये। हाँ निरुमा यहीं आना है मुझे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने अस्पताल में है डेंटिस्ट डिपार्टमेंट? हाँ जी बिल्कुल आना है मुझे। थैंक यू निरुमा, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। देवांशी, हम संयुक्त कुटुंब में रहते हैं राजपिपला, सब बुद्धि का प्रयोग करके एक दूसरे को परेशान करते हैं बुद्धि का उपयोग करके। हाँ, और वो जब मेरे अंकल आंटी है वो मेरे पापा से जो भी सवाल करते हैं उससे मुझे पता चल ही जाता है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कहीं भी फंस जाते हैं, तो वो जो सवाल करते हैं उसी पर से मुझे पता चलता है कि मेरे पापा मम्मी ऐसा जवाब देंगे और वो फंस जाएंगे, और सब हर वक्त ऐसा ही होता है, और मुझे पता चल जाता है इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैं जब कहती हूँ मम्मी को पहले से ही कह रखती हूँ कि तुम कम बोलना, वो सब ऐसे तुम्हें फंसा देंगे, और सब भी ऐसा करते हैं, मेरी दादी है वो भी ऐसा ही करती है, जब मेरे पापा और दादा घर में होते हैं तब मतलब रसोई घर में धीरे धीरे से मेरी मम्मी को उकसाते हैं, और मेरी मम्मी जोर जोर से बोलती है, इसलिए मेरे पापा मम्मी में भी कभी कभी तकरार हो जाती है।
हाँ तो मम्मी पापा को ही समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं नीरूमा, अभी तो ऐसा सब बंद हो गया है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे। मुझे सत्संग में, हम वैष्णव है इसीलिए पहले से ही दादी ने कहा है ये मंदिर मत जाओ, वो मंदिर मत जाओ, इसका प्रसाद, इसीलिए मुझे ये सब भगवान है, माता जी, ये मंदिर वंदिर सत्संग मुझे किसी में भी इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अभी पहले तो मम्मी मेरा हर बार साथ देती थी जो भी करो उसमें, लेकिन 3 साल पहले जब हम मम्मी पापा ने ज्ञान लिया आपके पास से, तब से वो जो 100% में मेरी बहन और भाई, उसमें जो 100% जो प्यार जो होता था ना, उसमें से 50% हो गया, 50% इधर आ गया है सब, तो वो अलग अलग हो गया। अभी मुझे अच्छा नहीं लगता, मम्मी जब रोती है ना आपका सत्संग सुबह देखती है, अब कभी कभी कुछ उसकी गलतियाँ उसमें दिखाई देती है मम्मी को, तो वो टीवी देखते देखते ही रोने लगती है, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे कि ऐसा क्यों करती है। अब मम्मी भी, पापा आते हैं तो मम्मी को रोता देखते हैं, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता कि तुम सुबह सुबह, तो मैं कहती हूँ मम्मी को कि तुम पापा हो तब तक ये प्रोग्राम मत देखो, तो कि नहीं है, तुम संडे को जाते हो घूमने, तो अगर तुम्हें दूसरे दिन घूमने जाने। ऐसा है बहन जी, तेरी मम्मी की बात आप समझ नहीं सकती है, आप अपनी दृष्टि से देखती है, वो अपनी दृष्टि से देखती है। अभी पता चल गया, उस पता चला अभी आपको, ज्ञान लिया ना तभी, पहले तो ऐसा लगता था ये ज्ञान आत्मा ये सब क्या है, मम्मी क्या बोल रहे हैं, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता था, लेकिन जब ज्ञान लिया तभी पता चला कि नहीं मम्मी ठीक बोलती थी। हाँ मम्मी पापा दोनों ने ज्ञान लिया, लेकिन मेरे घर में इतना ककलाट हो रहा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ऐसा है, अभी ये ज्ञान से उसका सॉल्यूशन करो, आपको जो लगता है वो आपका प्रॉब्लम है, मम्मी पापा का और फैमिली का जो प्रॉब्लम है मम्मी पापा को ही सॉल्व करने दो, आप अपने सर पे लेके आप सबसे काय को बुराइयाँ करती है, और आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, बड़ों की बात में छोटों ने पट गिरने की ज़रूरत ही नहीं है, आप काय को उसमें पड़ती हो। लेकिन आपके मम्मी पापा है वो कहीं फंस जाते हैं, वो तो अच्छा नहीं लगता ना। क्या फंसेंगे, फंस फंस के क्या फंसेंगे, आपको ऐसा डर लगता है लेकिन उनको थोड़ी है ऐसा, ये आपका ज़्यादा इमोशनल पना है क्या, भाई भाई है, माँ बाप माता पिता सब अपने अपने खुद के रहते हैं, ऐसे ये नेगेटिव देखना बंद करो हर किसी का, तो आपको भी शांति और इन लोगों को भी शांति, और जॉइंट फैमिली है तो कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, तो साथ में रहना है तो ये सब सहना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अलग से हो जाना। नहीं पहले कैसा, ये ज्ञान लिया उसके बाद तो अभी पता चल गया, लेकिन पहले तो क्या लगता था कि अगर वो टिट फॉर टैट जैसे के साथ है वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन अभी और बिगड़ गया। लेकिन अभी वो जब 2 दिनों के आपकी जो 5 आज्ञा आप जब समझा रहे थे ना, तभी मेरे को मेरी गलतियाँ दिखाई देने लगती थी। बहुत अच्छा मैं गलत, अभी सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था क्लीन के, ये बार मैंने ये गलती की, ये पहली आज्ञा में मैंने ये किया, दूसरी अब फाइल, वो मम्मी बोलती थी ना ये सब अपनी फाइल है, तो मुझे लगता है ये फाइल वाइल क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आता था। अभी जब ज्ञान लिया आपने समझाया कि ये सब फाइल है, तभी अब एकदम क्लीन हो गया। बहुत अच्छे सबके प्रतिक्रमण करके और क्लीन कर देना क्या। जय सच्चिदानंद। निधि ओझा, आजकल के बेटे बेटी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों भेज देते हैं, क्योंकि बेटी के पास माता पिता रहते नहीं हैं, और बेटी अपने ससुराल में सास ससुर पति के अंडर में रहती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है ताकि अपने माता पिता को अपने साथ रख सके। कई बेटियां रखने के लिए तैयार होती है, उस दामाद भी तैयार होता है, लेकिन ये अपने माता पिता पुराने ख्यालात के होते कहते हैं कि बेटी के घर कैसे रह सके, ऐसा करके वो भी नहीं रहते, फिर जाए तो कहाँ जाए, कौन करे उनका। और आजकल के बेटे माता पिता का ख्याल रखने के बजाय अपने अपने गुरु का ख्याल ज़्यादा रखते हैं, पत्नी आ जाती है ना बाद में वो गुरु हो जाती है, सास बहू को जमता नहीं इसलिए उसमें बीच में पति को डाल के उसको भी माँ का दुश्मन बना देती है। तो ये ट्रायंगल है, इसमें किसकी गलती कहाँ से शुरू होती है वो पता नहीं चलता है। शुरू शुरू में तो सास अपने अपना पावर बताती है, जब बुढ़ापा आता है तो फिर बहू पावर बड़ा बताती है। तो फिर ये आश्रम नहीं बंद कर देने चाहिए? आश्रम में तो ऐसा है कि जो ना घर में रह सके
ना सह सके, ना जी सके, ना मर सके, ऐसी जिनकी हालत है उससे उन्होंने बेहतर ये आश्रम में जाके अपना जीवन, पिछला जीवन तो भी ये लड़ाई झगड़े में कषाय में बिताना और बुरी तरह से मरना, उसके बदले उसके बजाय अपन अपने आत्मा के चिंतन करते करते शांत वातावरण में अगर अपना जीवन पूरा करें तो बेहतर है। अगर जिसको घर में अच्छी तरह से सब व्यवस्था है, बहू बेटे सब अच्छी तरह से प्रेम से रखते हैं तो उनको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने हिंदुस्तान में तो यह है ही, माता पिता के लिए बच्चों की फ़र्ज़ है, ऐसा बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये फ़र्ज मरते दम तक अदा करनी चाहिए। लेकिन ये वेस्टर्न वन की हवा, आजकल की वो पढ़ी लिखी है और सास के साथ एडजस्ट नहीं होती, विचार भी बहुत होते हैं, सास बहू को नहीं एक्सेप्ट कर सकती, बहू सास को नहीं एक्सेप्ट करती, इसकी वजह से यह हालत होते हैं और बुढ़ापे में जीना घर में हराम हो जाता है। तो ये संजोग संजोग की बात है, हर एक की अपनी अपनी। हम तो कहते हैं कि अगर इस तरह से घर में लड़ाई झगड़े रोज के सुन सुन के ताने सुन सुन के जीना, खाने के लिए मोहताज होके जीना, उससे बेहतर है अच्छे वृद्धा समय रहकर अपना जीवन सार्थक करें, पिछली उम्र में कोई भक्ति करें, भगवान का नाम ले, शांति से जिए, और जिसको शांति है उसके लिए नो प्रॉब्लम। मुझे मैथ्स में कुछ याद नहीं रहता है, मैथ्स में याद रखने की चीज़ है या मैथ्स में तो इंटेलिजेंट चलाने की बात है, उसमें तो अकल से काम लेने की बात है, याद के सब मगिंग करने की बात नहीं है, समझ में आया बेटा? उसे ध्यान से पढ़ाई करो, टीचर को बोलो मुझे अच्छी तरह से पढ़ाओ, अपने पेरेंट्स को बोलो और कुछ करो, समझ में आया ना? मेरे मम्मी पापा मुझे 2-3 घंटा टीवी नहीं देखने देते। 1 घंटा? वो 1 घंटा कितना देखने को कहते हैं? वो तो 1 सेकंड भी देखने को मना करते हैं। पूरा दिन मैं पढ़ती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए 1 घंटा फ्रेश होने के लिए मैं टीवी देखती हूँ। फ्रेश होने के लिए कुछ और चीज़ नहीं कर सकती आप? 1 घंटा आप टीवी देखोगी नहीं तो उसमें सारा दिन किया हुआ बहुत शॉर्ट हो जाएगा। मैथ्स में इसलिए तो नहीं कुछ आता है, कुछ और फ्रेश होने के लिए करो, कुछ म्यूजिक सुनो या कुछ बाहर राउंड मार के आओ, बाहर यानी अच्छे एरिया में जाना। या तो कुछ ना आए तो अच्छा ध्यान करो, बैठ के कंसंट्रेशन पावर पड़ जाएगा, समझ में आया ना? अच्छी कोई किताब, दूसरी आध्यात्मिक किताब पढ़ो तो अच्छा लगेगा, या कुछ आध्यात्मिक प्रोग्राम देखो तो मम्मी पापा भी खुश रहेंगे और आपका भी अच्छा रहेगा। बंद हो सके तो टीवी अवॉइड करने से अच्छा रहेगा। मनुष्य, अरे अनुष्ठान का मतलब क्या है, काहे का अनुष्ठान? मैं जब सुंदरकांड के पाठ में जाती हूँ तब वहाँ साल में एक बार अनुष्ठान रखते हैं सुंदरकांड का, भगवान के सामने बैठकर, तो उसका मतलब उसका वो क्रिया कौन से काय में कौन से भगवान की क्या बात कर रही हैं आप? हनुमान जी सुंदरकांड के होते हैं ना वो, हनुमान जी का। तो हर एक अनुष्ठान का मतलब है कि उसकी आराधना भक्ति जो भी करना है ना, वो नियम करते कि इतने दिन तक करते ना करने का है, तो सारे प्रोसेस को, प्रोसीजर को अनुष्ठान कहते हैं। हर एक अलग अलग भगवान के अलग अलग तरह के अनुष्ठान होते हैं। श्वेता मोदी, घर के सभी लोगों को श्वेता से मदद सेवा देकर फर्ज पूर्वक काम कर कल हर घड़ी हो सकता नहीं है, इसलिए संभाव से निकाल श्वेता से होता नहीं है। सत्संग की सेवा में के साथ घर के काम की कंपैरिजन करते हैं, श्वेता की प्रकृति भी
कंपेयर करते हैं, उसकी भी प्रकृति का कंपेयर करते हैं, और मैं कितने प्रकार के सामने ख्याल देकर नहीं ज्ञान से सॉल्व करती हूँ। वह हमें नकटे कहते हैं और असर कुछ होती नहीं, ऐसा कम जात समझते हैं। यह सब मम्मी के साथ बहुत ही द्वेष का हिसाब है, उपाय बताइए। ऐसा है, अपने घर में किसी के दोष मत देखो, मम्मी के मत देखो, और हिसाब उनका है, उनका भी तो हिसाब है, वो भी पूरा करो। ऐसा नहीं चलता है, घर में पहले अपने ज्ञान का उपयोग अपने घर में पहले होना चाहिए, घर में शांति होना चाहिए, और हमारे से किसी को दुख न होना चाहिए। हमारे से किसी को सुख न हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन दुख तो नहीं होना चाहिए, इतना टारगेट पकड़ के चलो। पर ज्ञान से सॉल्व करती है ना, तो वो कभी कभी ऐसे बोलते कि ये तो नफ़ट हो गई है, उसको तो कोई असर भी नहीं होती। तो उसकी भी असर मत होने दो। पूरा ही करो तो एक दिन उनको समझ में आएगा कि इसको क्या हालत है। उनका दोष मत देखो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, अपने माता पिता है उसके, उनका आदर रखो, उनका विनय करो, हर रोज सुबह में उनके पैर छुओ, मम्मी पापा के आशीर्वाद लो।